माशाल्लाह गाइस, हमारी भाजी हो गई है रेडी। अब हम इसे सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से बन गई है। सारे आलू गल गए हैं, वो भी बिना पानी से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मैं रुकेश एक आप लोगों का वेलकम करती हूँ मेरे नए वीडियो में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सिंपल सी रेसिपी, जिसे कहते हैं आलू और कांदे की सब्जी। चलिए देखते हैं आलू और कांदे की सब्जी कैसी बनती है, वो भी मेरे स्टाइल में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का टाइम नहीं ज्यादा। देख सकते हैं मैंने सब कुछ काट करके रख लिया है। ये मैंने हाफ के जी आलू लिया था, उसको कट कर लिया है। ये मैंने प्याज लिया था, उससे भी कट कर लिया है। दो से तीन बड़े प्याज है, ज्यादा नहीं है। और ये बारीक कटी हरी मिर्ची है, दो तीन हरी मिर्ची है, और थोड़े से कोथमीर है, और जीरा और हल्दी पाउडर। तो हम अपना गैस ऑन कर लेंगे। ये गैस ऑन हो गया है, और हमारी कढ़ाई को गर्म होने देंगे। हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है। अब हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इसमें जीरा ले लेंगे। आप देख सकते हो जीरे में चटचट आवाज आ रही है। अब हम अपनी हरी मिर्ची भी ले लेंगे। हरी मिर्ची हो गई। अब हम इसमें अपना प्याज ले लेंगे। अब हम ऑयल में अच्छे से प्याज को भूनेंगे। हमारा मिर्ची जीरा सब प्याज में अच्छे से भून जाएगा, तो थोड़ा सा ब्राउन होने तक, हल्का ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे। इसे थोड़ा सा चला लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से ब्राउन हो रहा है, आप भी चलाते रहिएगा। आप देख सकते हैं ये हल्का ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम अपनी हल्दी भी मिक्स कर लेंगे। हल्दी को मिक्स करके अच्छे से मिक्स चला लेंगे, और इसे 2 मिनट के अंदर ही इसमें हम अपना आलू भी ऐड कर लेंगे। अब हमने इसमें आलू भी ऐड कर लेंगे। आप देख सकते हो सारे आलू भी आ गए हैं। बहुत सिंपल से बनती है और बहुत जल्दी से बन जाती है। हर कोई बना सकता है इसे, आप भी बनाइएगा। अब हम इसे अच्छे से पूरी तरह चला लेंगे, ताकि हमारा प्याज और आलू दोनों एक साथ मिक्स हो जाए अच्छे से। अब देखिए, अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और गैस को कर लिया है स्लो। अब मैं इसे ढककर रख दूंगी। इसमें मैं पानी बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। बिना पानी के सारा आलू हमारा अच्छी तरह से गल जाएगा, तभी ये अच्छे से टेस्टी बनेगी। आप भी पानी मत यूज़ कीजिएगा। अब हम इसे ढककर रख देंगे। थोड़ी देर हो गई है, अब एक बार हम अपनी सब्जी को अच्छे से चला लेते हैं और देखते हैं कहीं नीचे पकड़ तो नहीं गई। आप देख सकते हैं हमारा आलू में पानी नहीं डालना पड़ा, ऐसे ही आलू अच्छी तरह से गल रहा है। और 5 मिनट के लिए रखेंगे। आप देख सकते हैं भाजी अच्छे से हो गई है। 5 मिनट हो चुका है, आलू भी सारे गल चुके हैं। अब हम इसमें बारीक कटे हुए कोथमीर ऐड कर लेंगे, और इसे भी एक बार अच्छे से चला लेंगे। और हमारी भाजी हो गई रेडी। माशाल्लाह गाइस, हमारी भाजी हो गई है रेडी। अब हम इसे सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से बन गई है। सारे आलू गल गए हैं, वो भी बिना पानी से। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन भी दबाइएगा। ओके, बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।